सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है आर्थिक संपन्नता के लिए गायत्री मंत्र का जप कैसे करें। जप करने की विधि व अन्य महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। गायत्री एक शक्ति है। गायत्री मंत्र के जप करने से विवेक तथा बुद्धि की जागृति और सद्गुणों की वृद्धि तो होती ही है, इसके अतिरिक्त सकाम साधना भी सफल होती है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, व्यापार में घाटा लग रहा हो, परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं मिल रही हो या नौकरी मिलने में रुकावट आ रही हो, ऋण या कर्ज चुकता करने में असमर्थता प्रतीत होती हो, तो गायत्री मंत्र का जप इसका उपयुक्त समाधान है। इसके जप से निश्चित ही कोई न कोई मार्ग मिल जाता है। मंत्र जप किसी शुक्रवार से शुरू करना चाहिए और साधना काल में भोजन में पीली वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। शुक्रवार को तेल में हल्दी मिलाकर शरीर पर मालिश करनी चाहिए। हो सके तो रविवार को व्रत करना चाहिए। इसके लिए मंत्र जप की सरल विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल दैनिक कार्य से निवृत्त होकर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके ऊन के पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं। पीले रंग का ही उपवस्त्र धारण करें। गायत्री का चित्र अपने सामने रख लें। फिर वेद माता गायत्री के चित्र पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखें बंद करके उनका ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार है। देवी गायत्री ने पीतांबर धारण किया हुआ है और हाथी पर बैठी हुई हैं। वे अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही हैं। इस प्रकार ध्यान के बाद गायत्री मंत्र के पहले और बाद में 3 बार श्रीम बीज मंत्र जोड़कर गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 5 या 7 या 9 या 11 माला का कम से कम 41 दिन तक जप करें। मंत्र इस प्रकार है। श्रीम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीम श्रीम श्रीम। मंत्र जप की समाप्ति के बाद उसी आसन पर बैठकर भावना करें कि देवी गायत्री आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी कृपा से आपकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होती जा रही हैं और आप आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। गायत्री मंत्र पर जितने विश्वास आस्था और श्रद्धा होगी उतना ही अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आर्थिक संपन्नता हेतु गायत्री मंत्र के जप की विधि समाप्त हुई।